गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मयंक में। और मैं हूं आपका मयंक और आज मैं आपके ला रहा हूं इंडियन पॉलिटी से टेस्ट नंबर 19। और इसमें आज मैं कवर कराऊंगा आपका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं विधानमंडल, इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आपके बन रहे हैं वो सारे एमसीक्यू मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगा। दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग ऑलरेडी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा इतना विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो आप अन्य लोगों तक पहुंचा दें। क्यों मैं देख रहा हूं आप लोगों ने एक दो दिन तो आपने बड़ा विलिंगनेस दिखाई, वैसे कुछ लोग अब भी विलिंगनेस दिखा रहे हैं, कुछ लोग बाकी में उनके मैं नाम अगर बार बार रिपीट करूं तो वो भी कम है। जैसे आशीष जी हैं वो काफी कॉपरेट करते हैं, अन्य सारे कैंडिडेट अमित जी हैं, आशीष जी हैं, और भी लोग हैं बहुत सारा कॉपरेट करते हैं, तो आप लोग भी प्लीज कॉपरेट करिए। कम से कम यार हम लोग FB पर, व्हाट्सएप पर बहुत सारे जोक, बहुत सारे इमेजेस शेयर करते हैं, तो यार इससे बेटर तो ये कोई पढ़ने वाला या मतलब स्टडी का कोई ऐसा स्टडी मटेरियल हो उसे शेयर करने में कुछ अलग ही आनंद आएगा, कुछ और सीखेंगे भी हम। ऐसे तो तमाम फेक न्यूज होती हैं, हम यूट्यूब पे भी मतलब कहीं ना कहीं शेयर करते ही रहते हैं उन्हें, उससे बेटर है कि आप अच्छी कोई चीज शेयर करें ताकि अन लोगों को भी फायदा मिल सके, सोसाइटी को भी फायदा मिले, और सोसाइटी का जो तबका है तैयारी में लगा हुआ है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, खासकर उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिल सके। तो बस मेरी यही गुजारिश है आपसे, आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें, ठीक है। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहला प्रश्न इसमें हम देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा है संसद राज्य सूची के विषय में विधि बना सकती है। देखिए संसद राज्य सूची आपको पता होना चाहिए, तीन सूचियां होती हैं और ये हमारे संविधान के भाग सात में रखी गई हैं, भाग सात में तीनों अनुसूचियां रखी गई हैं। और जो ये सूची वाला ये कॉन्सेप्ट है ये निकल के कहां से आया है, ये निकल के आया है ऑस्ट्रेलिया से, मतलब ऑस्ट्रेलिया से सूची वाला कॉन्सेप्ट निकल के आया है। देखिए ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, IAS एग्जाम में ये सूची मतलब सम्मिलित करने के लिए दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा कि DPSP कहां से लिए गए हैं और ये सूचियों वाला कहां से लिया गया है वैसे, तो ये सब ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है सूचियों वाला। इसके तहत तीन सूचियां हैं आपको पता होना चाहिए, संघीय सूची और उसके बाद संवर्धित सूची, उसके बाद राज्य सूची। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं सब में विषय कितने कितने हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, वैसे तो मुझे तो पता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें ये राज्य सूची की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। राज्य सूची में क्या होता है, राज्य सूची में जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का केवल राज्य को ही अधिकार होता है। इसके अलावा मान लो कोई ऐसा कोई कानून है या ऐसा कोई समस्या है जो कि देश के हित में है, मतलब देश के हित में है, ऐसी समस्या पर अगर कानून बनाया जाए जो कि देश के हित में, तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में राज्य का विधानमंडल दो तिहाई बहुमत से उसे पारित करवाएगा, ठीक है, और उसे संसद के लिए भेज देगा ताकि वह पूरे देश के हित में कानून बन सके उस पर। जैसे कि अभी मैं करंट एग्जाम्पल ले रहा हूं, अभी एक विषय बहुत ही कहा जाए कि बहुत ही यार उसे मतलब सोच के भी खून खोल जाता है मेरा, एक ये चाइल्ड रेप वाला विषय है। इस पर अगर कोई राज्य, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इस पर अगर कोई राज्य अगर भेजता है केंद्र को कि आपको इस पर कानून बनाना है, पारित करके भेजता है, वैसे बनना भी चाहिए, मैं चाहता हूं बने, और इस पर डेथ पेनल्टी लगे, डेथ पेनल्टी भी बहुत कम है यार, इतना जघन्य अपराध करने वालों के लिए डेथ पेनल्टी भी कम है, कुछ बड़ा सा लगे लेकिन, तो ऐसे कानून के विषय में केंद्र कानून बना सकता है, ऐसे किसी विषय पर जो देश हित में है, ठीक है। आपने बहुत सारे गैंगरेप भी देख रहे होंगे और आपको यह भी पता होगा कि 12 साल से नीचे बच्चों के लिए डेथ पेनल्टी की गई है, 12 साल से कम उम्र की बच्चियों का रेप अगर कोई करता है तो डेथ पेनल्टी दी गई है। ये तीन राज्यों में सबसे पहले लागू हुई है, सबसे पहले हुई है MP में, उसके बाद ये लागू हुई है राजस्थान में, और उसके बाद लागू हुई है हरियाणा में, ठीक है। ये तीन राज्यों में अभी फिलहाल लागू हुई है, अगर इनके अलावा कोई और राज्य है जैसे यूपी वगैरह है, यूपी वगैरह का विधानमंडल ये बहुमत पारित करके भेज दे केंद्र के लिए कि आपको ये विषय, इस विषय पर कानून बनाना है पूरे देश के लिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं पूरे देश में एक समान कानून लागू हो, अभी तो फिलहाल तीन स्टेट में इस तरह का प्रावधान किया गया है, विधि बनाई गई है, तो इसमें यहाँ पे सी वाला कथन सही है। और ये जो संसद विधि बनाती है इनके तहत, तो ये बनाती है आर्टिकल 249 के तहत, 249 के तहत विधि बनाती है, मतलब 249 के तहत किसी राज्य सूची के विषय पर जो कि राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है उस पर विधि बना सकती है, ठीक है, आर्टिकल 249 के तहत। देखिए यही लिखा है, यदि राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा घोषित करती है कि राज्य का विचाराधीन विषय राष्ट्रीय महत्व का है, ठीक है, तो इस पर जो संसद है वो आर्टिकल 249 के तहत शक्ति प्रदान की गई है, तब वह कानून बना सकती है, ठीक है। सेकेंड प्रश्न है, राज्यसभा की अनन्य अधिकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है नई अखिल भारतीय सेवाओं को सज्जित करने के संदर्भ में, देखिए ये वाला बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय जो सेवाएं आती हैं वो आपकी आती हैं आर्टिकल 312 में, और वर्तमान में अभी तीन तरह की जो सेवाएं हैं आपको मालूम होना चाहिए, IAS, IPS और
आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीन तरह की सेवाएं थी, तीन तरह की हैं अभी, इसके अलावा भी काफी सारी सेवाएं हैं। ये तीन तरह की तो मतलब कहा जाए संविधान में पढ़े थे, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अगर कोई राज्य, मान लो कोई राज्य नई अखिल भारतीय सेवा को सृजित करने के संदर्भ में बहुमत पारित करता है, 2/3 बहुमत अपने राज्य मतलब राज्य विधानमंडल से पारित करवाता है, उसको बहुमत भी मतलब मत भी करवाता है, तो जो संसद है इसके विषय में सोच सकती है कि हमें नई सिविल सर्विस क्रिएट करनी है या नहीं करनी है। मान लो कोई ऐसे मतलब कोई सिविल सर्विस है जो राज्य हित के विषय में हो, बहुत सारे मुद्दे होते हैं कि जैसे आप एक तरह से ये मान सकते हैं कि क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए एक अलग ही कोई जैसे आईपीएस होता है, इसी समतुल्य कोई और पोस्ट बनाई जाए, वो केवल क्राइम ही क्राइम देखे, या आईपीएस की कहीं और कर दी जाए, इस तरह का मतलब कुछ करना है। तो राज्य, अगर राज्य का विधानमंडल 2/3 बहुमत से पारित करवा के संसद को भेज देता है, तो संसद इस संबंध में बना सकता है, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल 312 में लिखा है, अखिल भारतीय सेवाओं में, ठीक है। और सेकंड वाला है, राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि बनाने के लिए संसद को प्राधिकृत करने के संदर्भ में। देखिए, ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था मैंने, ये आर्टिकल 249 है, इसके तहत कोई राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है जिस पर जो राज्य विधानमंडल है वह 2/3 बहुमत उस मिल जाता है उसमें उसे, और वह संसद के लिए उसे रेफर कर देता है कि भाई ये राज्य राष्ट्रीय महत्व का विषय है, आपको इस पर कानून बनाना है, तो संसद आर्टिकल 249 के तहत उस पर कानून बना सकती है। यानी कि यहाँ दूसरा भी सही है। थर्ड है, राज्यों के सृजन तथा उन्मूलन के संदर्भ में। देखिए ये गलत है, राज्य नए राज्यों का सृजन और उनका उन्मूलन जो करना है वो आता है आपके आर्टिकल 3 में, संविधान के आर्टिकल 3 में आता है, और यह केवल और केवल संसद का काम है इसमें, ठीक है, राज्य विधानमंडल का इसमें कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा वाला गलत है, सी सही है, यानी कि केवल 1 और 2। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय में विधि बना सकती है। देखिए इससे पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन बचा थोड़ा ले आता हूँ। इसमें जो 2/3 बहुमत है, यहाँ मैंने सॉरी यहाँ पे मैंने ये बताया था कि राज्य विधानमंडल, देखिए राज्य विधानमंडल नहीं है ये, 2/3 बहुमत जो होता है वो राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा से पारित होता है 2/3 बहुमत, राज्यसभा से, ना कि राज्य विधानमंडल से। मैं थोड़ा भूल गया था, राज्यसभा से पारित होता है ये, ठीक है। राज्यसभा में जो कैंडिडेट होते हैं अगर वहां पे 2/3 बहुमत पारित कर लेते हैं वो लोग कि ऐसा कोई राष्ट्रीय मुद्दा है जिस पर कानून बनाना है सभी राज्यों के लिए, तब जो संसद है वो आर्टिकल 249 के तहत कानून बनाती है, ठीक है। तो ये राज्यसभा में है क्योंकि राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं वो राज्यों के ही होते हैं प्रतिनिधि, ठीक है। मैं कंफ्यूज थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मुझे लगा था कि शायद राज्य विधानमंडल से होगा, लेकिन मैं डिटेल में देखा तो राज्यसभा से है, ठीक है, क्योंकि राज्यों में भी कैंडिडेट होते हैं, राज्यों में भी जो राज्यसभा में कैंडिडेट जाते हैं चुनकर, वो राज्यों का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं डायरेक्ट वो राज्यसभा वाले कैंडिडेट। इसलिए राज्यसभा के कैंडिडेट जो है 2/3 बहुमत पेश करते हैं, तब 249 के तहत कानून बनता है, ठीक है, आर्टिकल 249 के तहत संसद कानून बनाती है सभी राज्यों के लिए, ठीक है। तीसरा है, इसमें भारतीय संसद राज्य सूची के विषय में विधि बना सकती है। भारतीय संसद को मतलब अधिकार है कि राज्य सूची जो है उसके विषय में विधि बना सकती है, राज्य में जो विषय है राज्य सूची में उसके विषय में। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने हेतु। देखिए अंतर्राष्ट्रीय करारों के लिए कल मैंने कल एक प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि एक आर्टिकल है 253 जिसके तहत क्या है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय करार या इससे संबंधित विषय रखे गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां वगैरह से संबंधित विषय रखे गए हैं, इसमें ही प्रावधान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों पर भी जो संसद है वो है बना सकती है, मतलब कानून बना सकती है, ठीक है, 253 के तहत। वो कब बनेगा, जब राज्यसभा में 2/3 बहुमत पारित हो जाएगा तब बनेगा, ठीक है। इसके लिए भी वही प्रावधान है, राज्यसभा में पारित होना चाहिए, ठीक है, संबंधित राज्यों की सहमति से। अगर दो या दो से अधिक राज्य ये कह रहे हैं, दो या दो से राज्य मिलकर कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई कानून बना दे संसद, तब ऐसी कंडीशन में सेकंड वाला ये अप्लाई हो जाएगा, मतलब सेकंड वाला ये आर्टिकल लिखा है 252 में। अगर दो या दो से अधिक राज्य मतलब पास पड़ोस के दो राज्य, मान लो यूपी है और प्लस यूपी और उत्तराखंड मिलके अगर ये कहें कि हमारे लिए कोई कानून बना दो, दोनों मिलके दोनों की जो कैंडिडेट हैं वो मिलके ये कहें कि हमारे लिए कानून कुछ बनना चाहिए, तो संसद है वो आर्टिकल 252 के तहत कानून बना सकती है। देखिए तीसरा है, भारत में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की स्थिति में तब तो कानून बनेगा ही, और आपातकाल की स्थिति में भी कानून बनता है, इन दोनों में जो कानून बनता है वो आर्टिकल 357 के तहत बनता है, यानी कि 357 के तहत इनमें कानून बनता है। और देखिए पांचवा है, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा सदस्य 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करें। देखिए राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा सदस्य 2/3 बहुमत से पारित करते हैं प्रस्ताव, तब भी बनता है कानून, तब बनता है आर्टिकल 249 के तहत, ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको।
तो यहाँ पे 249 है। और दोस्तों ये जो यहाँ पे बोल गया राष्ट्रीय आपात वाला, ये इसमें नहीं है, 357 में नहीं है। ये भी थोड़ा है क्योंकि सब आर्टिकल ही आर्टिकल से मैंने बनाया है क्वेश्चन, तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये 357 में नहीं है, ये आर्टिकल 250 में है। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में जब कानून बनेगा तो आर्टिकल 250 को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, ना कि 357। 357 से बनेगा वो राष्ट्रपति शासन जब लगता है कहीं किसी राज्य में, उसके तहत बनेगा 357 से। ठीक है, तो यहाँ भूलना नहीं है। या आंसर है डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4 और 5। फोर्थ क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है सभी राज्यों की सहमति से। ये गलत है, सभी राज्यों की सहमति जरूरी नहीं होती है अंतरराष्ट्रीय संधियों पर कानून बनाने के लिए, संबंधित राज्यों की सहमति से। ये भी गलत है, इसमें सी वाला सही है, बिना किसी राज्य की सहमति से भी। आर्टिकल 253 संसद को यह अधिकार देती है कि अंतरराष्ट्रीय संधियों के संबंध में वह राज्यों के लिए कोई कानून बना सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 253 में ऐसा लिखा है, मतलब इसके बिना राज्य की सहमति के भी संसद कानून बना सकती है राज्य राज्य सूची के विषय पर, अंतरराष्ट्रीय संधियों के संदर्भ में। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 253 में। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा कदम सही है। भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन के लिए संसद सशक्त है, यानी कि किसी राज्य की सीमा को चेंज करना है तो उसके लिए संसद के पास अथॉरिटी है, तो ये भाई बिल्कुल सही है, आर्टिकल 3 में लिखा है। और सेकंड है, भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक केवल राज्यसभा में तथा केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश से पुनर्स्थापित किया जा सकता है। देखिए ये गलत है, यह केवल राज्यसभा में नहीं अपितु तो संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जाता है राष्ट्रपति की सिफारिश से। ठीक है, तो सेकंड वाला यहाँ गलत है, पहला वाला बिल्कुल सही है। और राज्यों से संबंधित, राज्यों की सीमाओं या नए राज्यों के गठन से संबंधित बनता है तो वह आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बनता है नया राज्य। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सिक्स क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है ये बताना है आपको। पहला है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के संबंध में, आपको पता होना चाहिए नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के संबंध में आर्टिकल 312 है। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में विधि बनाने के संबंध में, ये आर्टिकल 249 है। ठीक है, अब मैं बार बार बोलता जाऊंगा आर्टिकल तो आपको रट जाएंगे, यहीं पे कंफ्यूजन नहीं होंगे आप। तो ये क्या है भाई, 312 249 में क्या है कि इन दोनों में जो विधि बनाने का अधिकार है उस पर राज्यसभा का हक है, यानी केवल उसमें जो विधि बनेगी इन दोनों के संबंध में वह केवल राज्यसभा में ही बन सकती है। ठीक है, ना कि लोकसभा में, या आप याद कर लीजिए, इस पर राज्यसभा का विशेष अधिकार है, मतलब इन पे विधि बनाने का, ना कि लोकसभा का। तो यहाँ पे ये पहला और दूसरा गलत है, मतलब ये समान शक्तियां नहीं है, इस पर केवल राज्यसभा का अधिकार है इनमें कानून बनाने का। सी है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में, देखिए ये भी गलत है, जो कटौती प्रस्ताव से संबंधित जो प्रस्तुतियां हैं या जो भी आप अनुदान चाहिए होता है वो मैंने बताया था कल आपको, लोकसभा में लाई जाती है ना कि राज्यसभा में। लोकसभा में आर्टिकल 314, 315, ठीक है, 316, ये सभी इसी से संबंधित है। ये जो आर्टिकल है ये अग्रिम अनुदान और अनुपूरक अनुदान या विनियोग विधेयक, ये सभी जो है वो केवल लोकसभा में लाई जाती है ना कि राज्यसभा में। ठीक है, तो तीसरा वाला भी गलत है, केवल संविधान संशोधन के विषय में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त है। और मैंने कल ये भी बताया था आपको कि संविधान संशोधन से संबंधित अगर ये कोई विधेयक पारित हो जाता है, मतलब पारित करके उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को ये राइट नहीं है कि इसे संविधान संशोधन को वो वापस करके फिर से भेजे, इसे पुनर्विचार के लिए भेजे, एक इसे संविधान संशोधन को। और एक सेकेंड चीज और बताई थी मैंने आपको, याद करो, धन विधेयक को, धन विधेयक के संबंध में भी राष्ट्रपति को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है, मतलब उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है और उसे रोक भी नहीं सकता है इन दोनों चीजों को। ये कल भी बताया था आपको। ठीक है, एट प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सॉरी, हाँ ये वाला है, सातवां है, पहले मैं भूल गया। ये सेवंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, संविधान के आर्टिकल 105 के तहत संसद और उसके सदस्यों तथा राज्यों के विधानमंडलों और उसके सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। देखिए आर्टिकल 105 के तहत केवल संसद के और उसके सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन राज्यों के संबंध में जो हुआ है वो उपबंध अलग है। राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में आर्टिकल है 194 के तहत राज्य के विधानमंडलों के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है, वही 105 के तहत है केवल संसद के सदस्यों को। ठीक है, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकंड है, देखिए सेकंड वाला स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा,
संसद की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही चलने से 40 दिन पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन पश्चात संसद के किसी सदस्य को सिविल एवं आपराधिक या निवारक निरोध के मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकती। देखिए अब यहाँ पे ये वाला बहुत ही ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन होगा इस तरह का, अगर आपके आईएएस में देखने को मिलता है, आईएएस में आया भी हुआ ये प्रश्न है। देखिए सिविल मामले में तो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, सिविल मामले में उसे संसद की कार्यवाही चलने से 40 दिन पूर्व और बंद होने के 40 दिन बाद तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसने कोई क्राइम यानी कि आपराधिक मामला है उसका कोई, तो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाला भी गलत है, इसमें लिखा है ना सिविल के तहत कर सकते हैं ना आपराधिक के तहत, 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन सिविल के तहत तो नहीं कर सकते हैं, सिविल मामला कोई है लेकिन आपराधिक है, कोई किसी का मर्डर है, रेप है, हत्या है, तो इसके तहत उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला यहाँ गलत हो जाता है। थर्ड है, संसद सत्र के दौरान संसद के किसी सदस्य को किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित होने से मुक्ति प्राप्त है। देखिए ये वाला आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक तरह से कह सकते हैं कि एक हमारे लोकतंत्र की विडंबना भी है ये वाला आर्टिकल। कैसे है मैं बताता हूं, ये आर्टिकल है आपका 121 यानी 121 के तहत। इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि उसके जो संसद का कोई मंत्री है उसे उसके कार्यों के लिए आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं घसीट सकते हैं, वह बाध्य नहीं है कि आपने उसका उसने अपनी जो अपना कार्य है वो ढंग से किया है या नहीं किया है इसके संबंध में वह बाध्य नहीं है, मतलब आप उसे उस पर कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। हाँ भाई तुम 5 साल रहे इस फलानी जगह पर, आपने 5 साल में एक पैसा भी नहीं लगाया, चलिए अब कोर्ट में घसीटते हैं आपको, इसके लिए वह मुक्त है। ये हमारे आर्टिकल मतलब संविधान के आर्टिकल 121 में प्रावधान किया गया है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। अगर आप देखें, अगर सोच के देखें, तभी तो ये लोग चोरी करते हैं, तभी तो ये लोग मतलब स्कैम करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई हस्तक्षेप तो होता नहीं है, कोई इनके ऊपर मतलब कार्य मतलब जवाबदेहिता तो होती नहीं है, तभी ये उन्मुक्त है मतलब। तो ये 121 का सहारा लेके ये बच जाते हैं, 121 के तहत ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे तीसरा वाला सही है, यानी कि आंसर है ए। एट प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है इसमें, संसद का प्रत्येक सदन चर्चा एवं कार्यवाही को प्रकाशित कर सकता है और अन्य व्यक्तियों को प्रकाशित करने से रोक सकता है। देखिए बिल्कुल सही है, केवल संसद का ये सदन में जो चर्चा होती है वह लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा का सभापति उसे प्रकाशित कर सकता है, या फिर जबकि उसका कोई और सदस्य यानी कि कोई मंत्री है या कोई लोकसभा सदस्य है वह अगर प्रकाशित करता है तो उसे रोका जा सकता है। तो यहाँ पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकेंड है, संसद के प्रत्येक सदन को सदस्यों एवं बाहरी व्यक्तियों को सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन करने पर दंडित करने की शक्ति है। देखिए बिल्कुल सही है, संसद के प्रत्येक सदन को मतलब यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को शक्तियां प्राप्त हैं कि अगर कोई सदस्य संसद के विशेषाधिकार जो मिले हैं उसे आर्टिकल 105 की तरफ से उसे विशेषाधिकार दिए गए आर्टिकल 105 के तहत अगर उनका उल्लंघन करता है तो उसे दंडित करने का प्रावधान भी है। ठीक है, तो ये वाला बी वाला बिल्कुल सही है। सी है, संसद के प्रत्येक सदन को भारी व्यक्तियों को अपवर्जित करने का अधिकार है, मतलब भारी व्यक्तियों का प्रवेश संसद के अंदर नहीं होगा, संसद की कार्यवाहियों के अंदर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, आप देखते भी होंगे, आप सोचते भी होंगे कभी कभार कि यार ये संसद की कार्यवाही चल रही है लोकसभा राज्यसभा में तो भारी मीडिया क्यों नहीं जाती है, केवल नेशनल वाले क्यों जाते हैं, केवल लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी क्यों पब्लिश करते हैं। तो देखिए ये सब जो है इन सब के लिए प्रावधान बना हुआ है, इसमें भारी व्यक्ति नहीं जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में कोई भारी व्यक्ति घुस सकता है, तो ये सब प्रावधान पहले ही बने हुए हैं। ठीक है, डी है, संसद के प्रत्येक सदस्य को सदन के अंदर बहस और कार्यवाहियों की स्वतंत्रता है। देखिए यहां तक बिल्कुल सही है, संसद के प्रत्येक सदस्य को सदन के अंदर बहस और कार्यवाही करने की स्वतंत्रता है, किंतु इसकी चर्चा इसकी जांच न्यायालय द्वारा की जा सकती है, लेकिन इसकी जांच न्यायालय में नहीं होगी, जो बहस कर रहा है या कोई कार्रवाई कर रहा है उसकी जांच न्यायालय में नहीं होगी, यह इससे मुक्त है। तो यहाँ पे डी वाला गलत है कि उसमें लिखा है जांच की जा सकती है जबकि जांच नहीं की जा सकती है, ये आर्टिकल 121 में लिखा है साफ साफ। ठीक है, नवा क्वेश्चन है, देखिए ये आईएएस एग्जाम में आया हुआ है, शायद 2001 या 2000 में आया ये वाला प्रश्न। इसमें सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने वाला प्रथम सांसद लोकसभा से था। देखिए यहाँ पे पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाता है। अब थोड़ा इसका इतिहास में बता देता हूँ, बड़ा फनी क्वेश्चन है ये वाला, मैंने पढ़ा था तो मुझे भी बड़ा फनी लगा था। ये जो व्यक्ति था सांसद था वो लोकसभा से नहीं था बल्कि राज्यसभा से बिलोंग करता था, और ये घटना है नवम्बर सन 2000 की घटना है,
ये जो सांसद महोदय थे, जो राज्यसभा के सांसद थे, ये लोग ये राज्यसभा के सांसद थे, और पंजाब से निर्दलीय चुन के आए थे। पंजाब से ये निर्दलीय चुन के आए थे। नाम था इनका बरजिंदर सिंह हमदर्द। बरजिंदर सिंह हमदर्द, बिजेंद्र सिंह नहीं, बरजिंदर। थोड़े नाम भी इनके पंजाबियों वाले होते हैं। बरजिंदर सिंह हमदर्द, बरजिंदर सिंह हमदर्द इनका नाम था। ये जो पंजाब से थे, निर्दलीय चुन के आए थे, और ये राज्यसभा के सांसद थे। तो ये 60 दिनों तक लगातार उसमें अनुपस्थित रहे थे, इस हिसाब से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ये थे बरजिंदर सिंह हमदर्द, ठीक है। एंड सेकंड है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र उन्नाव है। देखिए उन्नाव कहाँ पड़ता है, उन्नाव पड़ता है यूपी में आपके, तो ये गलत है। उन्नाव इतना बड़ा नहीं है। लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र जो है वो है लद्दाख। लद्दाख जम्मू कश्मीर रीजन में लद्दाख पड़ता है, वह लोकसभा के निर्वाचन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, लद्दाख है, ठीक है। और सबसे छोटा जो क्षेत्र है लोकसभा के निर्वाचन का, वह है दिल्ली का चांदनी चौक। चांदनी चौक टू चाइना आपने मूवी खूब देखी होगी, अक्षय कुमार वाली, बड़ी फनी मूवी है। नहीं देखी हो देख लेना, टाइम पास हो जाएगा अच्छा खासा। तो चांदनी चौक दिल्ली का है, वह लोकसभा का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। और लद्दाख जो है वो लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। तो यहाँ पे दोनों ही प्रश्न गलत है, और आईएएस के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। फनी ऐसा फनी क्वेश्चन है, फनी क्वेश्चन में पढ़ के भी मुझे बड़ी हंसी आई थी। तो यहाँ पे डी वाला है, ना तो एक और ना ही दो। 10th क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए लोक लेखा समिति के बारे में पहले हम थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद ये अटेम्प्ट करेंगे। लोक लेखा जो समिति वह 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत इसमें घोषणा की गई थी लोक लेखा समिति की। उसके बाद यह 1921 में प्रकाश में आई थी, 1921 में आई थी, 1919 वाले भारत शासन अधिनियम में इसकी चर्चा की गई थी, और 1921 में ये प्रकाश में आई थी, ठीक है। और फिर आजादी के बाद यानी संविधान बनने के बाद लोक लेखा समिति का गठन हुआ, जिसमें 22 कैंडिडेट थे, ठीक है। 22 कैंडिडेट थे, इसमें से 15 कैंडिडेट थे हमारे कहां से, लोकसभा से, प्लस 7 कैंडिडेट थे वो थे राज्यसभा से, ठीक है। मतलब 22 सदस्य थे इसमें। और एक परंपरा और इसमें चल पड़ी, एक परंपरा इसमें और चल पड़ी 1967 से, वो परंपरा ये चल पड़ी इसमें, जो इसका अध्यक्ष होगा यानी इसका जो मेन अध्यक्ष होगा वह विपक्षी दल का नेता होगा। तो ये परंपरा चल पड़ी थी 1967 से, यानी कि विपक्षी दल से इसका अध्यक्ष चुना जाएगा, ये परंपरा 1967 से चल पड़ी थी। इसके अलावा ये जो समिति है केवल एक साल के लिए गठित की जाती है, केवल एक साल के लिए, इसका कार्यकाल एक साल का होता है, और इसके सदस्यों का चुनाव होता है, मतलब इसके सदस्य चुन के आती हैं। और चुनने का तरीका कौन सा है, चुनने का तरीका वही तरीका है जो आपके प्रधानमंत्री के, सॉरी राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव में होता है, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, जिसमें एकल संक्रमणी मत के अनुसार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जिसमें एकल संक्रमणी जो मत पड़ते हैं उसके अनुसार इनका चुनाव होकर आता है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अनुसार ये चुन के आते हैं, और एक साल के लिए ये रहते हैं केवल। इसमें से 15 होते हैं लोकसभा के कैंडिडेट, 7 होते हैं राज्यसभा के, और टोटल संख्या होती है 22, ठीक है। और कब गठन हुआ था, 1921 में इसका गठन हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। तो इसमें आप देख लेते हैं, ए लोक लेखा समिति भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पहली बार 1937 में अस्तित्व में आई। देखिए ये बिल्कुल गलत है, यह 1919 के शासन भारत शासन अधिनियम के तहत आई थी और 1921 में बनी थी, ठीक है, 1921 में अस्तित्व में आई थी। तो पहला वाला यहाँ गलत हो जाएगा। लोक लेखा समिति की कुल सदस्यों की संख्या 25 है, देखिए ये भी गलत है। इसके सदस्यों की संख्या मैंने बताई थी कितनी है, 22 है, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, देखिए बिल्कुल सही है, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य बिल्कुल नहीं हो सकता है, बल्कि चुन के आते हैं, चुनाव होता है इसका, वो भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जो पड़ता है मेथड होता है उससे चुन के आते हैं, ठीक है। और इस समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल से होता है, तो मैंने ये भी बताया था इस समिति का जो कैंडिडेट होता है वो विपक्षी दल से होता है। ये जो प्रथा चली आई है वो 1967 से चली आई है, इसका जो अध्यक्ष बनेगा वह विपक्षी दल से बनेगा, ना कि सत्ताधारी दल से। 11th क्वेश्चन है, ये देखिए प्राक्कलन समिति के बारे में, अब थोड़ा प्राक्कलन समिति के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ये अटेम्प्ट करेंगे। देखिए प्राक्कलन समिति जो थी वो 1950 में बनी थी, ठीक है, और यह बनी थी उस समय जो वित्त मंत्री थे जॉन मिथाई, उनकी अनुशंसा पर बनाई गई थी प्राक्कलन समिति, ठीक है। इसके उस समय जो कैंडिडेट थे वो थे 25, फिर 6 साल बाद यानी कि 1956 में बढ़ा के कर दिए गए, कितने इसमें कर दिए गए 30 कैंडिडेट, ठीक
ठीक है। और इसके जो 30 के 30 कैंडिडेट हैं वो लोकसभा से होते हैं, और राज्यसभा का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसमें ये जान लेते हैं। और इसका जो अध्यक्ष चुना जाता है वह अध्यक्ष होता है सत्ताधारी दल से, ना कि विपक्ष से, यानी जिसकी सरकार होती है बहुमत में वो उसी का इसका अध्यक्ष चुना जाता है सत्ताधारी दल से, ठीक है, प्राक्कलन समिति में। और इसका जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, यानी कि 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए यह गठित की जाती है। और इसका भी जो चुनाव है, इसके कैंडिडेट का जो चुनाव है वह भी चुनाव जो होता है वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से एकल संक्रमणी मत के द्वारा किया जाता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा किया जाता है। और इसमें भी कोई भी मंत्री जो है डायरेक्ट मंत्री सदस्य नहीं बन सकता है, चुनाव होता है, मतलब कुल मिलाकर चुनाव होता है, कोई डायरेक्ट मंत्री डायरेक्ट सदस्य इसका नहीं बन सकता है। सेम ये जो लोक लेखा समिति पड़ी है उसकी तरह ही है, बस ये था कि उसमें राज्यसभा भी शामिल थी, इसमें राज्यसभा शामिल नहीं है, ठीक है, प्राक्कलन समिति में। अब देख लेते हैं इसके स्टेटमेंट। ए, वर्तमान में इस समिति की कुल सदस्य संख्या 30 है, बिल्कुल सही है, मैंने बताया था वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 30 है, और पहले जब बनी थी तब थी 25, ठीक है, जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। देखिए ये भी सही है, केवल इसमें लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। और इस समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल से होता है, ये भी सही है कि इस समिति का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो सत्ताधारी दल से चुना जाता है, यानी कि यह दोनों ही सही है, तो आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। 12th क्वेश्चन है, ये भी एक सार्वजनिक उपक्रम समिति है, इसके संदर्भ में देखिए, इसके संबंध संदर्भ में थोड़ा जान लेते हैं भूमिका। देखिए पहले तो ये समिति जो वर्ड है इसमें दो तरह की समितियां आती हैं, या मैं बताना भूल गया था पहले दूसरे प्रश्न में, समितियां दो तरह की होती हैं। पहले जो दोनों मैंने समितियां डिस्कस की हैं वो दोनों स्थायी समितियां हैं, यानी कि स्थायी समिति का मतलब क्या होता है, इनका टाइम पीरियड नियत होता है, मतलब 1 साल के लिए बनी है तो 1 साल के तक ही ये वर्क करेंगी। एक होती है तदर्थ तदर्थ समिति, तदर्थ समितियां क्या होती हैं कि कोई विशेष कार्य के लिए इन्हें बनाया जाता है, और जैसे वो जो टारगेट है या फिर वो गोल है या एम है जैसे ही वो पूरा होता है वैसे इस समिति को कैंसिल कर दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है, ये होती है तदर्थ समितियां, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं बुक में जाके। स्थायी क्या होती है, इनका एक टाइम पीरियड होता है, जैसे 1 साल या 2 साल या 3 साल इसके लिए इतने समय के लिए होती हैं। तो पहले हमने जो पढ़ी लोक लेखा प्राकलन, ये इनका ये स्थायी समितियां थी, इनका टाइम पीरियड बकायदा था, ठीक है, तदर्थ नहीं थी। तो अब हम पढ़ रहे हैं सार्वजनिक सार्वजनिक उपक्रम समिति। देखिए सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है वह एक कृष्ण मेनन समिति बनी थी, कृष्ण मेनन समिति उसकी अनुशंसा पर इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, 1964 में हुई थी इसकी स्थापना। उस समय इसमें 15 कैंडिडेट थे, यानी 10 लोकसभा प्लस 5 राज्यसभा से, ठीक है। फिर क्या था, 1974 में जब हम आए तब 1974 में इसके सदस्य कर दिए गए कितने, 22, इसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, और सब कुछ इसमें वैसा ही है, जैसे कि कुछ मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है, इसके लिए भी जो चुनाव होता है वो है समानुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से होता है, और एकल हस्तांतरण वोटिंग सिस्टम इसमें होता है, तो ये सब वही सिस्टम है इसका सेम, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, इस समिति की स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुई थी, बिल्कुल सही है, यानी कि 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी सिफारिश पर, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर, और यह सार्वजनिक उपक्रम के लिए स्थायी समिति भी है, स्थायी वित्तीय समिति भी है। सार्वजनिक उपक्रम जो होते हैं आपके, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है या फिर मैं ही बता देता हूं, सार्वजनिक उपक्रम कौन से होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन जो कंपनियां हैं, PSU बोलते हैं इन्हें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन कंपनियां, जैसे भारत की नवरत्न कंपनियां हैं, कुछ मिनी रत्न है, कोई मिड रत्न कंपनियां हैं, तो ये सब आदि हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन में, ठीक है। तो इनसे संबंधित जो वित्तीय जो होती है लेन देन होता है उसका देखरेख के लिए ये सार्वजनिक उपक्रम समिति बनाई जाती है, ये स्थायी समिति है, ठीक है। तो इस समिति की स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की गई, यानी 1964 में की गई, किसकी सिफारिश पर, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड है, यह एक स्थायी वित्तीय संसदीय समिति है जिसकी कुल सदस्य संख्या 25 है, देखिए ये गलत है, यह स्थायी वित्तीय संसदीय समिति तो है लेकिन इसकी सदस्य संख्या 25 नहीं है, इसकी सदस्य संख्या है 22। और सेकंड है, इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, देखिए ये भी सही है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन गलत क्यों है, गलत इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट है कि इसमें लिखा है 25 जबकि 22 होते हैं, तो सेकंड वाला गलत हो गया। कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता, किंतु इस समिति का अध्यक्ष राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो सकता है। देखिए
यहां तक सही है, कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जो अध्यक्ष इसका होता है वह लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा का कोई कैंडिडेट होता है, ना कि राज्यसभा का। तो इस थर्ड वाला यहाँ पे गलत है, मतलब सार्वजनिक उपक्रम समिति में जो अध्यक्ष चुनाव अध्यक्ष का चुनाव जाएगा चुनाव किया जाएगा वो लोकसभा अध्यक्ष होगा या तो लोकसभा का कोई कैंडिडेट होगा, मतलब राज्यसभा से इसका अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा। तो तीसरा वाला भी यहाँ गलत है, तो यहाँ आंसर है केवल एक। थर्ड क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला है, इस समिति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व की जाती है। मतलब जो कैग जो रिपोर्ट देता है उसकी जांच वह जब संसद में पहुंचाता है उससे पहले ही कर ली जाती है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है, जो कैग की रिपोर्ट्स हैं इसकी जांच वह संसद में पहुंचने के बाद करती है लोक लेखा समिति। तो पहला वाला यहां गलत है। सेकंड है, यह समिति अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपती है। देखिए, ये भी गलत है, यह लोकसभा के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, ना कि भारत के राष्ट्रपति को। और थर्ड है, इस समिति के द्वारा केंद्र सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच की जाती थी। थर्ड वाला बिल्कुल सही है। अब थोड़ा यहाँ बैकग्राउंड में फोकस डाल लेते हैं। जो कैग होता है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है, वह अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो रखता है किसके समक्ष? वह रखता है प्रेसिडेंट के समक्ष। देखिए, ये हायरार्की बना रहा हूं, यहां आप समझते जाइए। कैग जो होता है अपनी रिपोर्ट रखता है प्रेसिडेंट के समक्ष, ठीक है। प्रेसिडेंट उसे संसद के पटल पर रखता है, यानी कि पार्लियामेंट पर रखता है, लोकसभा में भी रख सकता है या राज्यसभा में रखता है, ठीक है। लोकसभा में जब इसे रखा जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष इसे भेज देता है इसे लोक लेखा समिति के पास, लोक लेखा समिति के पास इसे भेज देता है। इसमें आपको बताना है कि ये सही बनाई है रिपोर्ट या नहीं बनाई है। तो लोकसभा जो अपना रिपोर्ट लोक लेखा समिति है जो फाइनल रिपोर्ट तैयार करती है, इसके बाद में वह रिपोर्ट इसके सबमिट करती है लोकसभा अध्यक्ष को, ना कि प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये हायरार्की मैंने बनाई, इससे आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे केवल तीसरा वाला सही है, यानी कि आंसर है बी। 14 क्वेश्चन है, कौन सा एक कथन प्राक्कलन समिति की अधिकारिता को नहीं बताता है? आपने मैंने बताया था प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में की गई थी, किसकी अनुशंसा पर? जॉन मिथाई, जो उस समय वर्तमान में थे वित्त मंत्री, उनके आधार पर की गई थी। इसमें उस समय 25 कैंडिडेट थे, बाद में इसके 30 कैंडिडेट हो गए, और इसके सारे कैंडिडेट लोकसभा से ही होते हैं, जिसमें इसका जो अध्यक्ष होता है वो भी लोकसभा से उसका चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो ये मैं फिर से बता रहा हूं ताकि आपको फिर से याद हो जाए। तो इसमें ए है, यह प्रशासन में दक्षता एवं मितव्ययिता लाने की वैकल्पिक नीतियां सुझाती है। बिल्कुल सही है, यह प्रशासन में मतलब सुझाव देती है कि कहां हम कटौती कर सकते हैं, कहां कौन सी नीतियों को हम अच्छा बना सकते हैं, तो इसके लिए सुझाव देती है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, यह परीक्षा करती है कि प्राकलन में जो नीति निर्धारित की गई है उसकी सीमा में रहते हुए धन अच्छी तरह लगाया गया या नहीं। देखिए, यह एक तरह से एक मतलब एक कहते नहीं है कि जैसे कोई हमने कोई मकान हमने बना दिया, तो ये समिति बाद में आके चेक करेगी यहाँ पे कि मकान में भाई इसमें कंक्रीट वगैरह इसकी छत में अच्छे से पड़ी है या नहीं पड़ी है, इसमें लोहे की सरिया से ढंग से लगी है नहीं लगी है, कुछ इस तरह की समिति है प्राकलन समिति। आप अपनी लेआउट अपनी लैंग्वेज अपनी आम भाषा है उसमें ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये उसकी समीक्षा करती है, परीक्षा करती है प्राकलन समिति, जो मतलब सरकार ने जो धन अच्छी तरह लगाया है या नहीं लगाया है किसी काम में, तो इसकी समीक्षा करती है ये। तो ये वाला भी सही है। सी है, यह सुझाव देती है कि संसद में अनुमान किस तरह प्रस्तुत किया जाए। देखिए, बिल्कुल सही है, सुझाव ये कैसे देती है आपको पता होना चाहिए। 1 फरवरी को वित्तीय बजट आता है, हमारा वार्षिक बजट आता है, उसके बाद मतलब वार्षिक बजट आने के बाद क्या होता है, यह समिति उस बजट पर चर्चा मतलब उस बजट को देखती है, इस बजट में जो पैसा मांगा गया है या पैसा इसमें आवंटित किया गया है क्या वह सही है। मान लो 10,000 करोड़ इस योजना के लिए उन्होंने कर दिया, 10,000 करोड़ रुपए कर दिए उन्होंने, केवल केवल किसके लिए? कौशल विकास योजना के लिए कर दिए। मैं जनरल उदाहरण ले रहा हूं, लेकिन कौशल विकास के लिए कोई जरूरत ही नहीं 10,000 करोड़ की। तो इसमें सुझाव देगी कि सर ये आपने ये 10,000 करोड़ इसके लिए आवंटित किए हैं जबकि इसके लिए इतनी आवश्यकता है ही नहीं। तो ये इस तरह के सुझाव देती है। डी है, यह सरकारी अतिव्ययता को रोकने में सहायक है क्योंकि इसकी रिपोर्ट पर संसद में विचार विमर्श किया जाता है। देखिए, यह सरकार के द्वारा जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है यह रोकने में सहायक नहीं है। मैं बता देता हूं क्यों रोकने में सहायक क्यों नहीं है, क्योंकि एक तरह से ये कहते नहीं है कि मुर्दा जैसे कोई आदमी मर जाता है, मरने के बाद उसका वो होता है क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम होता है, ठीक उसी तरह से है, मतलब सब कुछ काम हो जाएगा उसके बाद ये चेक करती है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है बाद में। ऐसा जो है ऐसा मतलब ऐसा राइटर मानते हैं, हमारे पॉलिटी की बुक में भी ऐसा ही लिखा है, इसकी जो कमियां हैं कमियों में यही लिखा है कि एक तरह से जो मरे हुए आदमी का पोस्टमार्टम किया जाता है फिर निकाला जाता है कि साहब इसका ये पार्ट खराब था इसका ये पार्ट खराब था। अगर अरे भाई ये पहले अगर बता देते तो शायद वो इंसान और चल जाता, मरता नहीं,
ठीक उसी तरह से इसका भी काम है, मतलब ये पहले कुछ नहीं बताती है, यानी अर्थव्यवस्था को ये रोकने में कोई सहायक नहीं होती है, या रिपोर्ट बाद में देती है, सब कुछ हो जाता है उसके बाद में देती है कि हाँ भाई इस पे उन्होंने इस पे इतना खर्च कर दिया, अब इतना नहीं होना था, इस चीज पे उन्होंने इतना खर्च कर दिया, कुछ इस तरह से रिपोर्ट प्रदर्शित करती है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, इसमें बताना है कौन सी सबसे ज्यादा कैंडिडेट किसमें होते हैं। देखिए लोक लेखा समिति है, आपको बताना चाहिए लोक लेखा समिति में जो होते हैं 22 कैंडिडेट होते हैं, यानी कि 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा। एक प्राक्कलन समिति ऐसी है जिसमें 30 कैंडिडेट होते हैं, और ये 30 के 30 किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं, तो ये बी वाला सही है। और सरकारी उपक्रम समिति है, इसमें भी 22 कैंडिडेट होते हैं, 22 कैंडिडेट होते हैं जिसमें 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा से आते हैं। और याचिका समिति जो है इसमें होते हैं 25 कैंडिडेट, 25 कैंडिडेट होते हैं जिसमें 15 लोकसभा और 10 राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी समिति जो होती है संसदीय समिति है वो प्राक्कलन समिति ही है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो यहाँ पे आंसर है बी इसका। 16वां क्वेश्चन है, संसद के विभाग संबंधी स्थायी समितियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। लोकसभा की नियम समिति की अनुशंसाओं पर संसद में 1990 के दशक में विभागीय समितियों का गठन किया गया। देखिए बिल्कुल सही है, ये लोकसभा की नियम समिति की अनुशंसाओं पर 1990 में इनका गठन हुआ था, 1990 के दशक में, यानी कि 1993 में इनका गठन किया गया था, 1993 में इन समितियों का गठन किया गया था। गठन के समय इनकी संख्या 17 थी, जी हाँ 1993 में इनकी संख्या जो थी 17 थी, और वर्तमान में यानी कि 2004 में इनकी संख्या हो गई, आते आते 2004 में इनकी संख्या हो गई 24। ठीक है, प्रत्येक विभागीय स्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते रहते हैं, ये बिल्कुल सही है कि प्रत्येक विभागीय स्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के कैंडिडेट होते हैं, केवल एक प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से कैंडिडेट नहीं आते हैं। ठीक है, डी है, प्रत्येक विभागीय स्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। देखिए ये गलत है, ये गलत क्यों है कि लोकसभा के जो कैंडिडेट होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं, और जो राज्यसभा के कैंडिडेट होते हैं वह राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा का जो होता है सभापति, उसके द्वारा चुने जाते हैं, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो यहाँ पे डी वाला कथन गलत है। 17वां प्रश्न है, थोड़ा ये हास्यास्पद प्रश्न आपको लगेगा, लेकिन क्या किया जाए, पॉलिटी में तो बताना पड़ेगा आपको। सदन के पटल पर किसी मंत्री के द्वारा की गई वचनबद्धता की वचन की मतलब मंत्री के द्वारा वचनबद्धता की जाती है, इसकी परिपूर्णता मतलब ये पूरा किया गया है नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। देखिए इसके निर्णय के लिए एक स्थायी समिति बनाई गई है जिसका नाम है लोक आश्वासन समिति। देखिए कितनी हंसी की बात है यार मतलब सोच के भी हंसी आती है कि जो मंत्री का कहते नहीं कि मंत्री की बातें कभी पूरी होती नहीं है, मंत्री के चुनाव के टाइम पे बातें करते हैं उसके बाद ये भूल जाते हैं इनके बाद, तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फिर भी इसके लिए समिति बना दी गई, वो भी स्थायी समिति बनाई गई है लोक आश्वासन समिति। इसका काम जस यही होता है कि जो मंत्रियों ने वादे किए हैं या फिर जो कार्यभार लिया है अपने कंधों पर वो पूरा किया है या नहीं किया है, तो ये लोक आश्वासन समिति जो कि स्थायी समिति है इसके द्वारा इसकी जांच की जाती है। देखो भाई पता नहीं क्या क्या है इसमें, संसद में पढ़ेंगे तो आपको मतलब इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा आपका। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में संसदीय समिति का गठन नहीं किया गया है। देखिए पहली तो है अनुसूचित जात एवं जनजाति कल्याण समिति, देखिए ये भी एक समिति है, इसमें 30 कैंडिडेट होते हैं। देखिए सभी समिति तो याद नहीं करनी है आपको, फिर भी मैं बता दे रहा हूं तो आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू रखना है उनके बारे में। 30 कैंडिडेट होते हैं जिसमें 20 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से, यानी कि अनुसूचित जात यानी एससी और एसटी ट्राइब के लिए भी समिति बनी हुई है संसद में। ठीक है, महिला सशक्तिकरण समिति, देखिए ये समिति जो है इसकी स्थापना 1997 में की गई थी, 1997 में 1997 में, इसमें भी 30 कैंडिडेट होते हैं, 30 में से 20 राज्यसभा और 10 सॉरी 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से। ठीक है, थर्ड है अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित समिति, देखिए अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित कोई संसदीय समिति का गठन अब तक नहीं किया गया एट प्रेजेंट में। ठीक है, डी है विशेषाधिकार समिति, देखिए ये भी समिति गठित की गई है। विशेषाधिकार समिति क्या होती है, आपने आपको कौन पढ़ा होगा आर्टिकल 105 पढ़ा था कि संसद के सदस्य होते हैं इसके तहत संसद में विशेषाधिकार प्राप्त हैं, तो उनके विशेषाधिकारों का अगर हनन हो रहा होगा तो उस संबंध में ये विशेषाधिकार समिति होती है, ये जांच करती है कि संसद के जो मंत्री हैं संसद के कैंडिडेट हैं उनके विशेषाधिकारों का हनन तो कहीं नहीं हो रहा है, इसके संबंध में ये समिति बनाई गई है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है परामर्शदात्री या सलाहकार समिति, इसमें बताना है, देखिए यह संसदीय समिति नहीं है, तो ये बिल्कुल बात सही है, यह संसदीय समिति नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, पर संसदीय कैंडिडेट होते हुए भी संसदीय समिति नहीं है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इसमें जो कैंडिडेट होते हैं 30 कैंडिडेट रखे जाते हैं, 30 कैंडिडेट, तो इसमें संसद के जो सदस्य हैं उन पर छोड़ दिया जाता है कि भाई इसमें आपको किसको शामिल होना है या किसको शामिल नहीं होना है, मतलब उनकी स्वेच्छा पर
निर्धारित कर दिया जाता है। और इसके अलावा क्या होता है, इसमें जो परामर्शदाता सलाहकार समिति है, यह समिति संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित की जाती है। देखिए ये बिल्कुल सही है, यह समिति जो होती है वो संसदीय कार्य मंत्रालय जो है, संसदीय कार्य मंत्रालय और भारत सरकार के विभिन्न जो बोर्ड हैं या विभिन्न जो बोर्ड से संबंधित संस्थाएं हैं उनके लिए समितियां गठित की गई हैं, उनके कैंडिडेट इसमें मनोनीत किए जाते हैं सदस्य पद के लिए। ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से संसदीय समिति नहीं है ये, इसमें बाहर के भी व्यक्ति शामिल किए जाते हैं और संसद से कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, स्वेच्छा पे आधारित है, मतलब कोई फोर्स नहीं है कि आप चुन के आपको जाना ही जाना है। ठीक है, तो पहला दूसरा यहाँ पे सही है। तीसरा है, इस समिति के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष नामित करता है। देखिए ये गलत है, मैंने बताया था, इस समिति के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष नामित नहीं करता है, यह स्वेच्छा पे आधारित होती है कि भाई कौन मंत्री या कौन सदस्य जाना चाहता है इसमें, या कोई बाहरी व्यक्ति मनोनीत किया जाता है तब वह इसमें शामिल हो जाता है। तो ये संसद की होते हुए भी संसदीय समिति नहीं है। ठीक है, चौथा है, इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए ये भी गलत है, इस समिति का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, बल्कि जो कैंडिडेट इसके 30 के 30 हैं बिल्कुल डिसाइड करते हैं किसे हमें चुनना है और किसे नहीं चुनना है अध्यक्ष। ठीक है, तो तीसरा चौथा यहाँ पे गलत है और सही केवल एक और दो है। 20वां क्वेश्चन, सूची एक सूची दो, इसमें लोक लेखा समिति। देखिए लोक लेखा समिति जो है वो वित्तीय समिति है। ठीक है, तो एक का तीसरा, याचिका समिति, याचिका समिति एक जो है वो कार्यकारी समिति है। ठीक है, और उसके बाद है स्टॉक बाजार। देखिए स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, ये क्या होती है, ये स्टॉक बाजार से रिलेटेड कोई स्कैम होता है तो उसके लिए तदर्थ समिति है, यानी कि हाल चाल बना दी जाती है और जैसे स्कैम की रिपोर्ट आई उसके बाद इसे खत्म कर दिया जाता है। और डी है विभागीय समिति। देखिए विभागीय समिति जो होती है वो स्टैंडिंग समिति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, यानी कि आंसर है ए। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। और चीजों को दोस्तों आप शेयर नहीं कर रहे हैं, या आपसे बड़ी निराशा मुझे हासिल हो रही है, आप चीजों मतलब चीजों को शेयर जरूर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी पता हो चल सके। क्योंकि तो मैं देखता हूँ यार, मैंने सोचा था ये मतलब कम से कम इसमें कम 5,000 लोग तो ऐड हो जाएंगे, कम से कम मैंने अनुमान लगाया था कम से कम 5,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास तक मेरे पॉलिटिकल लेक्चर पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ मतलब 5,000 क्या यार, 500 लोग भी नहीं देख पा रहे हैं, और जो लोग देख रहे हैं वो भी उसमें से काफी सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है। दोस्तों कुछ मैं आपको और गुजारिश करना चाहूंगा, एक संजय संजय जी हैं शायद, वो लोग बार बार कह रहे थे कि मेरी आवाज साफ नहीं आती है। ठीक है संजय जी, मेरे पास अभी इतनी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है कि मैं एक माइक अफोर्ड कर सकूँ, एक्सटर्नल माइक अफोर्ड कर सकूँ, तो आप प्लीज मैनेज कर लीजिए, मेरी आपसे ये गुजारिश है। देखिए मेरे पास इतना संसाधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है कि मैं माइक से मतलब बाजार से अच्छा खासा माइक अच्छी खासी कीमत का एफर्ट कर सकूं, और बहुत ही ज्यादा आवाज आप जैसे टीवी वगैरह में सुनते हैं एकदम क्लियर आए, इस टाइम पे ऐसी कंडीशन में मैं नहीं हूं, तो मैं इसके लिए आपसे बहुत ज्यादा माफी चाहता हूं। और सेकंड चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, देखिए ये कोई समस्याएं नहीं है, अगर आप इन पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे कि ये यार ये वॉइस रिलेटेड समस्या है, ये समस्या है, तो आप समस्या ही ढूंढते रह जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको बस कंटेंट देखना है भाई, कंटेंट हमारे सामने आना चाहिए, कंटेंट देखिए आप, एग्जाम सर पे है यार, आपको कंटेंट देखना है। और थोड़ी हिंट में दे रहा हूं, उससे आपका यार बेड़ा पार हो जाएगा, मुझे पता है। और आज मुझे आशीष जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, सर आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप ये भी नहीं कहते कि क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए भाई मेरा झूठ बोलने का बिल्कुल काम नहीं है, IAS की प्रिडिक्शन यार, इतनी इतनी बड़ी कोचिंग पढ़ी है, 2-2 लाख रुपए फीस ले रही है, वो भी ये श्योरिटी नहीं देती है कि मेरे यहाँ से कैंडिडेट लग जाएंगे या नहीं लग जाएंगे। अभी आपने अपने टॉपर सुने हैं अनुदीप सेट्टी जी जो है वो बाजीराम एंड रवि कोचिंग से आज से लगभग 4-5 साल पहले कोचिंग किए हुए हैं बाजीराम एंड रवि से, और अभी आके उन्होंने टॉप मारा है। तो भाई इसके संबंध में कोई कोचिंग वाला भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है कि आप लगेंगे या नहीं लगेंगे, बस एक सबका नैतिक दायित्व है, वो सब अपना नैतिक दायित्व निभा रहे हैं। और मैं भी यही कहता हूं, देखिए आप कंटेंट सब कवर कीजिए, मैं जो जितने क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं उतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये यकीन मानिए कि आप भूलेंगे नहीं और छूटेगा नहीं, वो सही हो जाएगा आपसे 100%, ये मेरा विश्वास है। अगर आपको आप इतना मेरे वीडियो सारे ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और ये सभी प्रश्न जो हैं वो IAS लेवल के ही हैं, और काफी सारे IAS के प्रीवियस एग्जाम से मैंने लिए हैं, कॉपी किए हैं मतलब, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए एग्जाम देने। और प्लीज मैं बस यही कहता हूं, अपने जो IAS फ्रेंड्स हैं, IAS का जो ग्रुप बना हुआ है, IAS या PC सिविल सर्विस से रिलेटेड है, उनमें जरूर बताइए कि यार एक ऐसा भी चैनल है जिसपे बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वो लोग ये देख सकें और उनका भी जो पॉलिटी वाला पोर्शन है कहीं रुके ना, आराम से निकल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।